हेलो स्टूडेंट टुडे आई डिस्कस सेंटिलेशन काउंटर सेंटिलेशन काउंटर क्या होता है इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एडवांटेज तो ये सब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे तो लेट स्टार्ट सेंटिलेशन काउंटर इट इज़ ए सेंसिटिव डिवाइस सेंटिलेशन काउंटर क्या है एक सेंसिटिव डिवाइस है यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ हाई एनर्जी एटोमिक रेडिएशन स्पेशली अल्फ़ा पार्टिकल ये सिंटिलेशन काउंटर एक सेंसिटिव डिवाइस है और इसका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं डिटेक्शन में और मेजरमेंट में किसका डिटेक्शन और किसको मेजर करते हैं हाई एनर्जी एटोमिक रेडिएशन अल्फ़ा पार्टिकल हाई एनर्जी एटॉमिक रेडिएशन पार्टिकल के केस में हम सेंटिलेशन काउंटर का यूज़ करते हैं उसको डिटेक्ट करने में या उसको मेजर करने में और ये एक सेंसिटिव डिवाइस है इसका प्रिंसिपल क्या है सेंटिलेशन काउंटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वहन हाई energy रेडिएशन जो हाई energy रेडिएशन है जैसे लाइक like हम यहाँ अल्फ़ा पार्टिकल ले रहे हैं तो जो हाई अनर्जी रेडिएशन है वो कहाँ स्ट्राइक करें हाई एनर्जी रेडिएशन स्ट्राइक है, है फ्लोरोसेंट मटेरियल एक फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है लाइक जिसको हम स्क्रीन लेके चल रहे हैं वो किसके बने लाइक जिंक सल्फाइड इट प्रोड्यूस लाइक जिंक सल्फाइड जो फ्लोरोसेंट मटेरियल है उसमें जैसे हम जिंक सल्फाइड भी यूज़ कर सकते हैं इट प्रोड्यूस टीनी फ्लैसेज ऑफ लाइट उस स्क्रीन के ऊपर हमें स्मॉल पार्टिकल दिखाई देते हैं लाइट के स्मॉल पार्टिकल देरीजे फ्लैशिस आर कॉल्ड सेंटिलेशन इन स्मॉल फ्लैसेज को हम क्या बोलते हैं सेंटिलेशन एंड कैन बी सीन बाई एन आई टू डार्कनेस अगर ये हम डार्कनेस के अंदर इसका यूज़ करते हैं इसको एज ए एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो डार्कनेस के केस में हमें ये स्मॉल फ्लैशिज लाइट के रूप में दिखाई देगा या फिर हम डार्कनेस में यूज़ नहीं करते हैं और फिर भी इसको देखना चाहते हैं फ्लैसेज ऑफ लाइट को तो हम किसकी हेल्प से देखते हैं फोटो मल्टीप्लाय ट्यूब तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है सेंटिलेशन को देखने के लिए एंड कैन बी सीन बाय एन आई अडेप्टेड टू डार्कनेस और डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इनको जैसे आई की हेल्प से डार्कनेस में देख सकते हैं और उनको डिटेक्ट करने के लिए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब की हेल्प लेते हैं उसके बाद में इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है जैसे कि हम जो प्रिंसिपल में पढ़ रहे थे कि फ़ोटो मल्टीप्लायर टू वगैरह वो सब या जो स्क्रीन होती है वो हमारी ये स्क्रीन है इस स्क्रीन को हम क्या बोल रहे हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फिर कोटिंग ऑफ ए जिंक सल्फाइड ठीक है तो इसके कंस्ट्रक्शन कैसे हैं या फिर कैसे ये वर्क करता है स्टार्टिंग में क्या है कि ए सेंटिलेशन काउंटर कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल वायर विद इट्स टिप टी डिप्ड इन ए रेडियम ब्रोमाइड किसके अंदर डिप है रेडियम ब्रोमाइड में और एनी अदर रेडियो एक्टिव मटीरियल या तो किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल में डिप करवाएँगे इस वायर को या फिर जैसे हम यहाँ पर किस में डिप करवा के चलते हैं रेडियम ब्रोवाइड में इस केस में हम रेडियम ब्रोमाइड के में डिप करवा रखे हैं उसके बाद क्या है इट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन स्क्रीन के फ्रंट पे इसको रखा हुआ है इट इज़ प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एस कोट स्क्रीन एस है जिसको किससे कोटिंग कर रखी कोटेड विद जिंक सल्फेट बैरियम प्लेटनोसाइनाइड और कैल्शियम टंगस्टेन। जैसे हमें यहाँ पे जिंक सल्फेट से कोटेड कर रखे हैं तो इनसे भी हेल्प की जा सकती है एंड व्यूड थ्रो ए लो पावर माइक्रोस्कोप हम किस से देख रहे हैं इस सब पोर्सन को जैसे ये टी है स्क्रीन के सामने फ्रंट में रख रखा है और इन सब को हम किसकी हेल्प से देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से जो ये माइक्रोस्कोप है इसको हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये लो पावर माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं हम लो पावर माइक्रोस्कोप एम इज़ ए डार्क रूम ए ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट ए ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट हमें कहाँ पर मिलेगा स्क्रीन के ऊपर ए ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट become visible every time. वहन एन एल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक द स्क्रीन कि जब कोई भी एल्फा पार्टिकल स्क्रीन से स्ट्राइक करेगा तो उस केस में हमें स्मॉल पार्टिकल लाइट के दिखाई देंगे जिसको हम स्मॉल फ्लैशिज ऑफ लाइट बोल रहे हैं तो वो एवरी टाइम दिखाई देगा और एवरी टाइम भी मतलब कब कि जब एल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद हमें वो फ्लैश ऑफ लाइट मीन्स जो पार्टिकल हैं वो लाइट के वो हमें वहाँ पर कंटिन्यूसली दिखाई देंगे इन दिस मैनर द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाई द रेडियो एक्टिव मेटीरियल इन ए सर्टेन टाइम वी कैन बी काउंटेड कि जैसे जो अल्फ़ा पार्टिकल हैं उसको हम किसके रेडियो एक्टिव मटीरियल इन ए सर्टेन टाइम कैन बी काउंटेड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज स्पिथ्रोस्कोप अब ये स्पिथ्रोस्कोप क्या होता है स्पिथ्रोस्कोप हम किसको बोलते हैं इसके डेफिनेशन क्या है इन in इंस्ट्रूमेंट that shows the incident of alpha particle of alpha particle by flashes on a fluorescent screen में जो स्पिथ्रोस्कोप हम बोल रहे हैं कि दिस अरेंजमेंट इज नोन एज द स्पिंथ्रोस्कोप स्पिंथ्रोस्कोप होता क्या है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है दैट शोज द इंसिडेंट ऑफ एल्फा पार्टिकल व ऑन ने फ्लोरोसेंट स्क्रीन कि जो अल्फा पार्टिकल की जो फ्लैशिज हैं उनको फ्लोरोसेंट स्क्रीन से दिखा रहे हैं इनको हम बोल रहे हैं स्पिंथ्रोस्कोप द सेम प्रिंसिपल इज यूज इन ए मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर ये जैसे हम सिंपल सेंटिलेशन काउंटर पढ़ रहे थे और जो ये जो प्रिंसिपल हम नॉर्मल सिंटिलेशन काउंटर में पढ़ा था यही प्रिंसिपल हम सेम एज इट इज सॉरी जो सिंपल सेंटिलेशन काउंटर में पढ़ा था वही प्रिंसिपल हम मॉडर्न सिंटिलेशन काउंटर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो जैसे मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर क्या होता है कि ब्लॉक डाइग्राम ऑफ सेंटिलेशन काउंटर एज इन फिगर जैसे ये मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर का एक ब्लॉक डायग्राम है हमारे पास जैसे यहाँ पे कोई भी हम सोर्स एस ले रहे हैं जैसे कि इंसिडेंट रेडिएशन है उसके बाद क्या है फोर्स फोर्स और सेंटिलेटर या फिर फोटो मल्टीप्लायर या एम्पलीफायर काउंटिंग डिवाइस और स्केलर इन सब का जैसे क्या वर्किंग है ये सब हम इसमें स्टेप वाइज पढ़ते जाएंगे इसका एक मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर का बेसिक ब्लॉक डाइग्राम है कि ए सेंटिलेशन काउंटर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ सिचुएबल फ्लोरोसेंट मटेरियल फ्लोरोसेंट मटेरियल कॉल फोस्फर्स ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब एंड एम्पलीफायर टू एम्पलीफाई द इलेक्ट्रिक पल्स जो हम एम्पलीफायर यूज़ कर लें उसका क्या वर्क है कि एम्पलीफाई करता है किसको इलेक्ट्रिक पल्सिस को ए काउंटिंग डिवाइस एंड ए शोर्स एस विच इमिट आयनाइजिंग रेडिएशन ये सब पार्टिकल जैसे ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे दिखा रखे हैं उसके बाद क्या है दीज रेडिएशन फॉल ऑन द सेंटिलेस्टर एंड लूज एनर्जी टू एक्साइट और आइनाइज कि जो रेडिएशन है किस है? Scintillator पे फॉल है सेंटिलेटर पे सेंटिलेटर पे पर फॉल्स उसके बाद क्या इफेक्ट है इसका एंड लूज एनर्जी एनर्जी क्या हो रही है लूज हो रही है टू एक्साइट और आइनाइज द एटम ऑफ द फासफो द एक्साइटेड एटम इमिट फोटोन जो एक्साइटेड एटम है यहाँ पे वो क्या इमिट कर रहा है फ़ोटोन को इन द ब्लू वायलेट और अल्ट्रा वायलेट कि जो फोटोन है वो किस में इमिट हो रहा है ब्लू वायलेट में या फिर अल्ट्रा वायलेट रीजन में ऑफ द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम वह दे रिटर्न टू द नॉर्मल ग्राउंड स्टेट दस सेंटिलेटर कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन इन टू फ्लैशिज ऑफ लाइट जो सेंटिलेटर है यान क्या कन्वर्ट कर रहा है सेंटिलेशन कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द आयनाइजिंग रेडिएशन जो हम आयनाइजिंग रेडिएशन हम यूज़ कर रहे हैं उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है और किस में कन्वर्ट करता है फ्लैसेज ऑफ लाइट के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं उसके बाद में जैसे कि फ़ोटो मल्टीप्लायर का जो हम यूज़ कर पढ़ फोटो मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ रहे हैं फोटो मल्टीप्लायर होता क्या है ये फ़ोटो मल्टीप्लायर का एक बेसिक डायग्राम है हमारे पास ठीक है जैसे कि इंसिडेंट रेडिएशन इसको कंप्लीट हम क्या बोल रहे हैं कि एक इसको हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है टी रिप्रेजेंटेड बाय द ट्यूब फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब सील्ड है ये ठीक है उसके अंदर जैसे हम यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन में हम फर्स्ट यूज़ कर रहे हैं ये जैसे एलेवन पिन बेस है या फिर इसके अंदर डी वन डी टू डी थ्री या डी फो जो यूज़ कर रहे हैं इनको हम डायनोड बोल रहे हैं कि डी वन के, के केस में हम हंड्रेड वोल्ट यूज़ कर रहे हैं डी टू के केस में टू हंड्रेड वोल्ट डी थ्री में थ्री हंड्रेड डी फोर में फोर हंड्रेड तो बेसिकली जैसे हम वन थाउजेंड वोल्ट तक इसको यूज करते हैं उसके बाद जैसे कि हाँ इसके आगे थ्योरी क्या है कि फोटो मल्टीप्लायर इन फिगर थर्ड शोज दैट द स्केमेटिक डायग्राम ऑफ ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब टी फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब इज रिप्रेजेंटेड बाई द टी इज ए सील्ड ट्यूब ये कंप्लीट क्या है सील्ड है कि फोटो मल्टीप्लायर टी ट्यूब इज बीजे सील ट्यूब मेड ऑफ गिलास और क्वार्ट किससे बनाई हुई है गिलास से और क्वार से एट वन एंड ऑफ विच इज कोटेड विद सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर कि इसका एक एंड है वो किससे कोटेड है सेमी ट्रांसपेरेंट लेयर से ऑफ सम फोटो सेंसिटिव मेटीरियल एग्जाम्पल जैसे सी एस थ्री है एस बी हम इसमें यूज कर रहे हैं विच इज एन इंटरमेटालिक कंपाउंड ऑफ सीजियम एंड एंटीमनी दिस इज कॉल्ड ए फोटो कैथोड डिनोटेड बाई सी इसकी बात कर रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं फोटो कैथोड सी इन द द फिगर लेटर इज डिफाइंड एज द दिफाइंड ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन इसको और भी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इमिटेड टू द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन मीन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन उसके बाद क्या है कि जैसे फेसिंग द फोटो कैथोड सी there is a series of there, sorry there is a series of secondary electron emitting surface d1 d2 d3 d4 etc known as dynode the first dynode D1 वन इज कैप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ अबाउट एटी टू हंड्रेड वोल्ट विध रिस्पेक्ट टू द फोटो कैथोड जैसे कि यहाँ पे आपको एक फोटो कैथोड है इसके हेल्प से जैसे यहाँ से जो आपको रेडिएशन दिखाई दे रही है फर्स्ट डायनो D1 पे आ रही है जिसपे वोल्टेज क्या बता रहे हैं एटी टू हंड्रेड वोल्ट उसके बाद D1 से कहाँ पे जा रही है D2 पे जैसे आपको ये डायरेक्शन भी शो कर रखी है D2 पे 200 वोल्ट तक है D2 से D3 पे D3 से D4 इस टाइप से ये कंटिन्यूसली चल रहा है यहाँ पे ये प्रोसीजर तो इसको हम क्या बोल रहे हैं फोटो मल्टीप्लायर है. उसके बाद में सेंटिलेशन काउंटर की एडवांटेज क्या होती है? बेसिकली एडवांटेज क्या है फर्स्ट क्या है कि द ऑपरेटर इन एयर और वैक्यूम इसको हम कहाँ ऑपरेट एयर और वैक्यूम में ऑपरेट करते हैं सेकंड क्या है द काउंटिंग रेट इज़ वेरी हाई जो सेंटिलेशन काउंटर है इसकी काउंटिंग रेट क्या है वेरी हाई है बींग अबाउट टेन डेज के पावर टू नाइन काउंट्स पर सेकेंड पॉइंट थर्ड द इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटेड इज़ प्रपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पल्स जनरेट होती हैं वो किसके प्रपोर्शनल में है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल इनके डायरेक्टली ये प्रपोर्शनल में है तो सेंटिलेशन काउंटर के जैसे क्या होता है उसके बाद में हमें इसका जैसे प्रिंसिपल रीड आउट किया कंस्ट्रक्शन वर्किंग और उसके बाद फिर मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर क्या होता है मॉडर्न सेंटिलेशन काउंटर में भी वही बेसिक प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं जो सिंपल सेंटिलेशन काउंटर में यूज़ करते हैं उसके बाद में जैसे फोटो मल्टीप्लायर क्या होता है उसके बारे में और लास्ट में हमें इसकी एडवांटेज क्या होती है ये सब हमें रीड आउट किया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग